नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप अपने बयान में, एक बार तफसील से जरा दर्शकों को समझाएं आप। जो आदरणीय अखिलेश जी ने व्यंगात्मक भाषा में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, मैंने उस बारे में कहा था कि औरंगजेब की आत्मा आ गई होगी वाराणसी के कॉरिडोर के उद्घाटन पे। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक किसी ने अच्छा ट्वीट नहीं किया। पर जैसे औरंगजेब ने अपने पूर्वजों को साथ किया था, उन्होंने अपने हाथी में डाल दिए थे, ऐसे ही अखिलेश जी ने किया है। तो वही है बंदा, मैं तो क्या जाने अखिलेश जी, टोंटी नाम का जानते हूँ मैं, टोंटी के बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान, ये मैंने बोला। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी सवाल ये उठ रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें औरंगजेब की एंट्री, जिन्ना की एंट्री क्यों हो जाती है जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले? अरे भैया, सलमान खुर्शीद करते हैं, राकेब अलवी करते हैं, फारूक अब्दुल्ला करते हैं, जिन्ना को प्रेमी आपके अखिलेश यादव जी है, ये करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं? राकेब अलवी जी ने हमारी, सलमान खुर्शीद ने हमारे कहने से लिखा, ये सब हम थोड़ी कर रहे हैं, शुरुआत यही कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी है एक, चारों तरफ से जो एक साथ चलती है, ये इस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं चुनाव को, हमने कब बढ़ाया है? लेकिन नरोत्तम जी बात तो यही आ गई ना कि अगर वो करेंगे तो आप भी करेंगे क्या? अब औरंगजेब का नाम तो आप ले रहे हैं ना, जब वो करेंगे तो हम नहीं करेंगे क्या? हम खामोश बैठेंगे, उनकी क्रिया पर प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे? हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल के सदस्य हैं हम। लेकिन अब क्रिया पर प्रतिक्रिया तो होगी जी, उन्होंने क्रिया की, हमने तो नहीं की। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी शालीनता के साथ में पूजा आराधना की और कोई बात ही नहीं की पॉलिटिकल, उन्होंने शुरुआत की ना। आप क्या चाहते हो कि उनकी क्रिया पे हम प्रतिक्रिया भी ना दें? लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि आप 5 साल का अपना विकास का काम गिनाइए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने अच्छे काम किए हैं वो गिनाइए, उत्तर प्रदेश में इतने सारे काम है गिनाने के लिए वो गिनाइए। इस तरह के बयान से तो बवाल बढ़ता है ना, हंगामा बढ़ता है ना। बयान हमने नहीं दिया हुजूर, उनने दिया है वो। उस क्रिया में प्रतिक्रिया है और हम वो विकास ही, माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी का विकास ही गिनाने गए थे, वो विकास ही था। पूरे हिंदुस्तान के जहाँ पर लोग जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, वो विकास ही तो था, और क्या था? और क्या गिना रहे हैं हम? देखो आप स्वयं देखो ना वाराणसी के उस स्थान को। अखिलेश यादव जहां जहां भी जा रहे हैं वहां पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि चाचा और पिता को हाशिए पर ला दिया। भीड़ अलग विषय हुई, भीड़ अलग विषय है। परिणाम जब ये दोनों भाई गए थे ना, बुआ बबुआ गए थे, तब भी भीड़ बहुत होती थी। परिणाम देखे थे आपने? सारे प्रयोग कर चुके हैं वो।